अभिनेत्री कंगना रनावत को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनावत के ऑफिस पर की गई डीएमसी की कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है, साथ ही साथ नुकसान की भरपाई करने का भी आदेश दिया है। गौरतलब है कि 9 सितंबर को कंगना रनावत के खार स्थित दफ्तर पर डीएमसी के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ तरीके से पहुंचकर वहां पर कार्रवाई की थी और जो अवैध निर्माण जिसकी नोटिस पहले ही दी गई थी उसको तोड़ दिया था। कंगना रनावत ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जिस तरीके से शिवसेना और सरकार के खिलाफ कई ट्वीट किए थे, कई बयान दिए थे और इसी के चलते बदले की भावना से सरकार के निशाने पर ये कार्रवाई की गई थी और इसे अवैध करार दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों को दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कंगना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कंगना रनावत ने कुछ विवादित ट्वीट और बयान दिए थे उसी के चलते बदले की भावना के चलते ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में अब डीएमसी को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। नुकसान की भरपाई कितनी हो इसका आकलन करने के लिए एक एजेंसी को भी कहा गया है और मार्च 2021 तक जो है ये एक रिपोर्ट मांगी गई है कि कितना हर्जाना जो है कंगना रनावत को दिया जाना चाहिए और इस हर्जाने की रकम के सामने आने के बाद ही उस पर कोई फैसला लिया जाएगा और डीएमसी को साफ तौर पर कहा गया है कि ये भरपाई उनको करनी होगी। साथ ही साथ जो अवैध निर्माण की नोटिस दी गई थी उसको भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और कहा है कि कोई भी अवैध निर्माण अगर इस तरह से हुआ भी है तो अब उसको रेगुलराइज करने का जो प्रोसेस है वो बीएमसी की तरफ से शुरू किया जाए, यानी कि जो भी कुछ फाइन होते हैं वो लेकर इस स्ट्रक्चर को रेगुलराइज कर दिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कंगना रनावत की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनावत शिवसेना और सरकार के खिलाफ मुखर हुई थी और उसके बाद कई जगहों पर आंदोलन भी हुए थे और कंगना रनावत लगातार अपने तीखे तेवर अपना रही थी तो बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली हुई ये जो राहत है कंगना रनावत के लिए काफी सकून भरी है क्योंकि उनका कहना था कि जानबूझकर बीएमसी के अधिकारियों ने उनके ऑफिस को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। वही एक अन्य मामले में भी कंगना रनावत को जो है राहत मिलती नजर आ रही है क्योंकि उनके खिलाफ दो FIR दर्ज की गई है उनके विवादित ट्वीट को लेकर, उस पर भी हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर कंगना रनावत को फिलहाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और बीएमसी को उनके ऑफिस पर की गई कार्रवाई पर लताड़ लगाई गई है और हजाना और भरपाई देने को कहा गया है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।